प्लूटो को पहले हम एक ग्रह की तरह माना करते थे, फिर बाद में अचानक क्या हुआ पता नहीं, वैज्ञानिकों ने उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। हाँ, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया। तो हुआ यूं कि इससे प्लूटो को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आज भी सूरज का चक्कर वैसा ही काटता है जैसे पहले काटता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी नाम के एक ग्रह पे एक छोटे से बंद कमरे में चार आदमी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उसे किस श्रेणी में डाल रहे हैं, किस श्रेणी से निकाल रहे हैं। चाहे तो आप उसे ग्रह का नाम दे दीजिए या उपग्रह बुला लीजिए, चाहे तो आप उसे धूमकेतु ही बुला ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से, अपने गति से, अपने रास्ते पे चला जाता है। प्लूटो की तरह बनिए साहब जी, प्लूटो की तरह।